शंकर त्रिपाठी, उम्र 29 साल, दरभंगा बिहार से। इस पहचान के साथ हम इस शहर में आए थे, लेकिन यहाँ आदमी से ज़्यादा लोग कुत्तों से प्यार करते हैं। आज हम इस रेल की पटरी पर अपनी जान देने के लिए आए हैं। अब काहे मरना चाहते हैं वो आप वीडियो में ही देख लीजिए, क्योंकि हम बता दिए तो सस्पेंस खराब हो जाएगा और फिर आप भी दूसरों की तरह हमें कहेंगे साला बिहारी। घूर के रहा है, पैसे निकाल। भैया जी, पहले हमको ठीक पते पर तो पहुंचाइए। ये तो आपने जहाँ से उठाया था हमको वहीं छोड़ दिया। ये देखिए पीछे, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग ही तो था जहाँ से आपने हमको उठाया था, और वहीं पर छोड़ रहे हैं। अब 5 मिनट इस टुकटुकिया में घुमाने का पैसा दे दें आपको। अबे बेवकूफ है क्या, पूरा शहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। चल 200 रुपए निकाल, इन सवारी ने भी छोड़ना मेरे को। ये गलत बात कर रहे हो भैया तुम, काहे गरीब आदमी का काट रहे हो। हम 200 रुपए दे देंगे आपको, पर पहले सही पते पर तो पहुंचाइए। कहाँ से उठ कर आया तू, चल जल्दी ड्रामे मत कर, पैसे निकाल। अरे ऐसे काहे बोल रहे हैं भैया, हम कोई कपटी थोड़ी ना है, दरभंगा बिहार के हैं, बहुत इज्जतदार परिवार से आते हैं। आपको पूरा पैसा देंगे, पर सही पते पर तो पहुँचाइए। अबे यार एक काम कर, इस सारे का बैग छीन ले, बैग छीन छीन। अरे भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप? भैया जी हमारा बैग कहाँ लेकर जा रहे हैं भैया जी? अरे हमारा बैग तो दे दीजिए। चल साला बिहारी। कुछ ऐसे स्वागत हुआ हमारा शहर में, साला पैसा फोन दोस्त का पता सब लेकर भाग गया, और सबसे जरूरी हमारी प्यारी डेलिसा का बैग। डेलिसा हमारी धर्मपत्नी, असली नाम बिंदु है, पर अंग्रेजी फिल्मों की शौकीन है इसलिए अपना नाम बदलकर डेलिसा रख लिया। 2 महीने तक जो काम हमारे हाथ लगा वो काम करते रहे, और साथ साथ अपने दोस्त विनोद को ढूंढते रहे जो हमें कभी मिला नहीं। खाने को जो मिल जाता जैसे मिल जाता वो खाकर गुजारा कर लेते, और अगर कभी खाना ना मिले तो भूखे पेट भी रहना पड़ता। फिर 2 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ। बे ओ भिखारी, खड़ो, तेरे बाप का रोड है क्या? अरे ओए तेरे से कह रहा हूँ खड़ो, तेरे बाप का रोड है क्या? भिखारी कहीं का चले आते हैं यहाँ पर। अरे तू तो शकल से चोर लग रहा है, कहीं डाका डालने का मन है क्या? क्या प्लानिंग है तेरी? रोड पर ही तो सो रहे थे साहब, किसी के घर में थोड़ी ना सो रहे हैं। अरे तेरे मुंह में तो जबान भी है, मेरे से जबान लड़ाएगा है? साला भिखारी। भिखारी नहीं है साहब, हम ग्रेजुएट हैं हिंदी ऑनर्स में। वो तो हमारा सारा सामान चोरी हो गया यहाँ शहर में आते ही, तो हम क्या करते बताइए? आप अपना काम कीजिए ना, वो ऑटो वाले को ढूंढिए। सामान चोरी हो गया वो भी तेरा? साढ़े तो खुद शक्ल से चोर लग रहा है। तो एक बात सच सच बता, कहीं तो आतंकवादी तो नहीं है? कहीं बम बम फोड़ने आया क्या साढ़ा बिहारी? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप, 2 महीने से हम इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, पर आज आपने तो हमारी इज्जत की भजिया तल दी। भजिया? अरे भजिया नहीं भुजिया खिलाऊंगा, तेरी पूरी सेवा करूंगा। थाने चल, तेरे को खिलाऊंगा वहां पे चोखा लिट्टी। चल। चोखा लिट्टी नहीं होता है साहब, लिट्टी चोखा होता है। अगर खिला देंगे तो आपका भगवान बहुत भला करेगा, बहुत जोर से भूख लगी है। शंकर सिद्धू पाजी, ये तो हमारा दोस्त शंकर है, आइए तो जरा। हाँ हाँ तेरे लिए गर्मा गर्म तैयार करा रखी, चल आजा। चल नमस्कार दरोगा जी, इतनी रात को काहे परेशान हो रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे विनोद तुम, हमें तो यकीन नहीं हो रहा तुमको देखकर, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। 2 महीने से तुमको ढूंढ रहे थे, हमें तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा बिल्कुल। हो गया तुम्हारा भरत मिलाप है? मैं यहाँ पे बेवकूफ हूँ? मैं यहाँ पे बेवकूफ हूँ? ओ हो, तो तुम लोगों का पूरा ग्रोह घूम रहा है, और 1.25 लाख आदमी तो साथ लेके चल रहे हो। तुम सबको आज अंदर करूंगा, चलो। लेकिन दरोगा जी इसने किया का है ये तो बताइए। का किया है? अरे इसने सरकारी जमीन पर सोने का गुनाह किया है, क्राइम। ये सड़क इसके बाप की है।
पहले तो तुम साले यहाँ पर रोड पे सो जाते हो, फिर कोई गाड़ी वाला मार के चला जाएगा, फिर कहोगे भाईजान की गलती है, हैं? अरे नहीं नहीं दरोगा जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ये तो हमारे गांव का सबसे शरीफ आदमी है। अरे यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं विनोद कब से, पर दरोगा जी समझ ही नहीं रहे हमारी बात को। शंकर बेटा तुम बहुत ही गलत भाषा में समझा रहे हो, हम समझाते हैं दरोगा जी को। दरोगा जी एक बार साइड में आइए। दरोगा जी नया बच्चा है, आपकी भाषा नहीं समझता, लेकिन हम तो समझते हैं। ये लीजिए। ठीक है दरोगा जी। क्या हो गया? अरे भैया जी आप उनको पैसे काहे दे दिए, हम कोई गुनाह थोड़ी ना किए थे, सो ही तो रहे थे, कोई चोरी थोड़ी कर लिए। भैया हम जानते हैं तुम कुछ गलत नहीं किए, पर इनसे काहे उलझना, और शहर में ये सब आम बात है, ऐसा करना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक लोग हैं भैया शहर के, भूल ही हो गई हमसे तो यहाँ आकर। तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे, अभी घर चलो हमारे साथ, चलो। बहुत ही बुरा हुआ शंकर भैया तुम्हारे साथ तो, बताओ ऑटो वाला साला बैग ही चोरी कर भाग गया। अरे आदमी का कोई जरूरी सामान भी हो सकता है, इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं रही। 2 महीने से भटक रहा है बेचारा, कुछ खाना वाना खाए हो? खाना तो खाए हैं भैया, जहाँ से जो मिल गया वही खा लिए, एक बार तो कचरे की पेटी से उठाकर भी खाए हैं, लेकिन स्वादिष्ट खाना खाए हुए 2 महीने हो गए, आखिरी बार डेलिसा ने ही खिलाया था। डेलिसा? अरे हमारा बिंदु लिट्टी चोखा बनाकर खिलाई थी, उसका स्वाद अभी तक हमारे मुंह में है। लेकिन एक बात बताएं भैया, बहुत याद आती है हमको दरभंगा की, इस शहर हमको कुछ जच नहीं रहा। हाँ तो काहे ऐसे ऐसी करवा रहे हो यार, चले जाओ वापिस। मन तो हमारा बहुत है पर किस मुंह से जाएं, तुम्हारी भौजाई तो खुद तैयार बैठी है यहाँ का टिकट कटाने के लिए, उसको पसंद है यहाँ का रहन सहन, पर हम तो यहाँ आते ही लुट गए। शुरुआत में हम भी बहुत परेशान हुए थे, फिर हमारी नौकरी लग गई एक मैडम के पास। ये जो शहर में ऊंची ऊंची इमारतें देख रहे हो, ऐसी इमारतें बनाती है हमारी मैडम, बहुत ही अच्छी और पावरफुल लेडीज है, हम दोनों वहीं काम करते हैं, तुम्हारी भी नौकरी की बात करेंगे उनसे। अरे हमने तुम्हें इनसे तो मिलवाया ही नहीं, ये सिद्धू पाजी हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं। बल्ले बल्ले पाजी। अब तुम खाना खा के आराम करो शंकर, हम मैडम से बात करके मिलने का टाइम ले लेंगे, फिर चलेंगे उनसे मिलने, ठीक है? एक बात बताएं विनोद, जब से यहाँ शहर में आए हैं ना, तब से एक बात का बहुत ही अफसोस हो रहा है हमको। अरे बबू आप पैसा कमाने के लिए जब अपना गांव ही छोड़ना पड़ जाए तो इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है। खैर ये बताओ हुआ क्या है? भैया जी गांव में हम छाते ठोक कर ये बात बोलते थे कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन ये शहर वाला लोग बिहारी शब्द का प्रयोग ऐसे करते हैं जैसे कोई गाली हो, हमको बहुत बुरा लगता है भैया जी। अरे शंकर तुम इतना काहे सोच रहे हो, जब तुम पैसा कमाओगे ना तो देख लेना सबके सब लोग अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। अरे फिलहाल तुम ये सब बातें छोड़ो और वहां जाके बैठो, हम चाय बोल कर आते हैं, चाय तो पियोगे ना? नहीं नहीं विनोद, तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो और नहीं। अरे शंकर बाबू हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं तुम पर, जब नौकरी लगेगी और तनख्वाह आएगी तो हमारे पैसे लौटा देना, अब ये बताओ चाय के साथ बिमल लोगे ना? अरे नहीं नहीं भैया, बिमल के साथ थोड़ा सा चाय ले लेंगे। ये हुई ना असली बिहारी वाली बात, तुम वहां चलकर बैठो, हम चाय बोल कर आते हैं। जी भैया। एक बात तो तुम ठीक बोले विनोद, जब हम पैसा कमाएंगे तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन जब तक हमारी नौकरी नहीं लगती तब तक हम अपना रोज का खर्चा कैसे निकालेंगे? तुम्हारी समस्या सुलझाने के लिए हम हैं तो, ये देखो ये है बिनोमो ऐप। इस पे क्या करते हैं? इस पे करते हैं ट्रेडिंग और दिन का 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, वो कैसे? इस पे तुम्हें ट्रेडिंग करनी है और सही दाव लगाना है, ये जो लाइन है ये ऊपर जाएगी या नीचे, यहाँ करो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और जीतो 100% रिटर्न। पर हमको तो ये आता ही नहीं, थोड़ा अच्छे से समझाइए ना भैया। ये देखो ये है हमारे पास यहाँ 10,000, इसमें से हमने ये अमाउंट ट्रेड पे लगा दिया, अब हमारी समझ से ये साला ऊपर जाएगा, ये देखो ये जा रहा है, साला कैसे नहीं जाएगा, हम खेल रहे हैं, ये देखो ये गया, ये देखो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, ऐसे ही तो हम अपनी बाइक की किस्तें भर रहे हैं। भैया ये क्या चमत्कार दिखा दिया आपने, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, ये तो बहुत ही आसान है। बहुत आसान है इस ऐप को चलाना, साथ ही पैसा जमा करना और निकालना भी, और कोई फालतू पैसा भी नहीं कटेगा तुम्हारा, चाहे कभी भी निकालो। यहाँ एक रेट्रो शॉप भी है जहाँ तुम रोज फ्री दाव खेल के बहुत कुछ जीत सकते हो, जैसे आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी फोन, पर ये ऑफर 13 से 25 फरवरी तक ही है। हमारे दिए गए लिंक और प्रोमो कोड से डाउनलोड करना और साथ ही साथ अपने और भाइयों को भी बताना, तुम्हें भी बोनस मिलेगा। ठीक है भैया हम अभी से बिनोमो शुरू कर देते हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा होने को है, खाना भी बनाना है।
देख बंसी, अगर मैडम के खिलाफ जाएगा ना तो इसमें तेरा ही नुकसान है। अभी भी टाइम है, मान जा। चाहे मुझे तुम कितना भी मार लो, मैं अपनी बात से पलटूंगा नहीं। अबे साले, रुको। बात तो कर लेने दो यार, ना चाय पूछी है ना कॉफी पूछी है, जब से इंसान आया उसे धोए ही जा रहे हो। देख बंसी, मुझे वहां पे सोसाइटी काटनी है तो घर तो तुझे खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे जिद करके कोई फायदा नहीं है, और बदले में तेरा कुछ नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, घर मिल तो रहा है ना तुझे। हम खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोग हैं मैडम, हम आपकी दी हुई दो कमरों की कुटिया में नहीं सोएंगे। हम आपको वो जमीन नहीं बेचेंगे, चाहे हम मर भी क्यों ना जाएं। अपना ना सही, अपने परिवार वालों का ही सोच ले। तेरे बाद तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम आपकी इन धमकियों से नहीं डरते मैडम। भगवान की मर्जी के बिना ना ही आदमी जन्म ले सकता है और ना ही मर सकता है। शायद भगवान की यही मर्जी थी। ये क्या किया मैडम आपने? इसे मार दिया, इसके बीवी बच्चों के सामने उठा के लाए थे इसे। अब क्या होगा? खामखा का केस लग जाएगा। एक काम करो, बीवी बच्चों को भी मार दो, ना केस लगेगा, घर भी खाली हो जाएगा। ठीक है मैडम, उठवा इसे। एक बात बताओ विनोद, यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां क्यों खड़ी हैं? मैडम का सर्विस स्टेशन है का? अबे बुरा गए हो का? चुपचाप चलो हमारे साथ। काफी बड़ा घर है मैडम जी का तो। पूरा ही मैडम जी। मैडम जी, हमने बताया था ना शंकर के बारे में, ये हमारा गांव का दोस्त है, इसी की नौकरी के लिए आपसे बात की थी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो तुम इसी की सिफारिश लगा रहे थे? शंकर, क्या कर लेते हो तुम, गाड़ी चला लेते हो? जी चला लेते हैं, स्कूल में ही सीख लिए थे। तो कल से काम पे आ जाना, 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी, कम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मैडम, 15,000 तो बहुत ज्यादा है। तो 7,000 ले लेना। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, 15,000 ही सैलरी मिलेगी, कल से काम पे आ जाना। थैंक यू मैडम, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश भी बोल लेते हो। हम पढ़े लिखे मैडम, हिंदी ऑनर से ग्रेजुएट किए हैं और आगे भी पढ़ाई करने का ठान रखे हैं। वो तो हालात ने थोड़ा सा ऐसे कर दिए, वरना तो कहीं ऑफिसर लगे होते। चलो, कोई तो हमारी टोली में पढ़ा लिखा आया, वरना हमने तो सारे अनपढ़ गवारी भर रखे हैं। पढ़ाई कभी मत छोड़ना, बहुत अच्छी चीज है ये। जी बिल्कुल मैडम, पढ़ाई के मामले में हम बहुत ही सीरियस टाइप के आदमी हैं। चलो ठीक है, कल से काम पे ले आना इसको। थैंक यू मैडम। हाँ बस बस। किस्मत का एक अच्छा बात यही है कि वो पलटती जरूर है। जो दोस्त हमको काम दिलाए, हम उनसे भी ज़्यादा मैडम के खास हो गए थे। लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक बम फटा और बम का नाम था डेलिसा, हमार बिंदु। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है का? 2 हफ्ते बोले थे तो क्या 2 हफ्ते बाद सीधा शहर पहुंच जाओगी? हमसे पूछोगी नहीं आने से पहले? अरे आप ऐसे चिल्ला के काहे बात कर रहे, काहे डांट रहे हमको? अगर ऐसे डांट के बात करेंगे, हम बता रहे हैं समझे, यहाँ पे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, चुपचाप लेने आ जाइए हमको। आ रहे हैं, उधर ही डटी रहो, इधर उधर सैर करने मत निकल जाना, हम बता ही देते हैं। हाँ यही बैठ के वेट कर रहे हैं। हे भगवान, इन औरतों में दिमाग देना कब शुरू करोगे? अब पैसा कहाँ से लाएं जाने का? ए विनोद, जिया हो बिहार का लाला, जिया तुम हजार साला। ए विनोद, एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है, तुम्हारी भौजी गांव से शहर आ गई है, स्टेशन पर खड़ी है, उसको लेने जाना पड़ेगा और हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है। तुम्हारे पास कुछ पैसा है? हाँ भैया, ये पैसा की ढेरी तो लगा रखी है, हाथ मार के निकाल लीजिए इसमें से। अरे हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, जाके मैडम से मांग लीजिए, वैसे भी आप उनके खास आदमी है, तुरंत दे देंगे आपको, मना भी नहीं करेंगी। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, चलिए मैडम से ही मांगते हैं। साला पनौती आके बैठ गया हमारी जिंदगी का। अरे मंत्री जी, आपको बोला ना आपका काम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
बस आपके घर पे मैंने एक फाइल भिजवाई है, उस पर दो चार जगह साइन कर देना और समझो काम हो गया। रखती हूँ। नमस्ते मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। तुम्हारी नौकरी लगे हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और तुम्हें अभी से पैसे चाहिए, ज़्यादा डिमांड नहीं करने लग गए तुम? मैडम बिंदु आई है गाँव से, हमारी धर्मपत्नी, तो उसको लेने के लिए स्टेशन जाना है और हमारे पास एक रुपया भी नहीं है, तो हमने सोचा आपसे थोड़ा पैसा ले लें। तुम शादीशुदा हो? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। खैर छोड़ो, गाड़ी में कैश रखा है, उसमें से जाके 1000 रुपये निकाल लो। थैंक यू मैडम, यू आर ग्रेट। हाँ ठीक है। एक बार मांगते ही सीधा 1000 रुपए दे दी मैडम हमको। देख रही हो कितना भरोसा करती है हम पर, इतना कम समय में इतनी ज्यादा इज्जत बना ली है मैडम के सामने। जब से हम आए हैं तब से मैडम मैडम किए जा रहे हो, तनिक हमारा हालचाल भी ले लो। 1000 रुपए के चक्कर में तो मैडम के पीछे जान दोगे क्या? हाँ का हाल चाल ले तुम्हारा, का हाल चाल ले? तुम कभी हमारी बात सुनती हो या आने से पहले हमसे पूछी कि हम आए कि नहीं? अरे तुम ही तो उस दिन कॉल पे बोले थे कि 2 हफ्ते बाद आ जाना, तो हम टिकट करवा लिए और देखो आ गए। तुम हमारी बातों को समझती तो हो नहीं। अब चलो मैडम से मिलवाते हैं, उनसे थोड़ा तमीज से बात करना, अगर उन्हें तुम ठीक लगी तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ काम दे देंगी। अरे हम काहे काम करेंगे, आप कर तो रहे हैं, हम तो केवल घूमेंगे, हम शहर आए हैं घूमने के लिए। नहीं जी। अच्छा ठीक है, तुम घूम लेना, काम हम कर लेंगे। चलो मैडम से मिलवाते हैं। भाई वाह, क्या ही जोड़ी है तुम्हारी, मजा ही आ गया देख के। तुम दोनों को देख के ही लग रहा है कि तुम दोनों में कितना प्यार है। पर शंकर एक चीज ध्यान रहे, काम के टाइम पे ना काम ही चाहिए मुझे, ये नहीं कि अब बीवी आ गई है तो सारा काम धंधा छोड़ के मटर गश्ती में चालू हो गए। आशकी से थोड़ा दूर रहना। कैसी बात करी मैडम, आशकी इनके बस का नहीं है, बुढ़िया गए हैं, अब कौनो प्यार व्यार नहीं करते हैं। मैंने एक बात बताइए, इतनी सुंदर बीवी होने के बाद गांव छोड़ के कोई शहर आता है क्या, बताइए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है का, इका बोल रही हो मैडम के सामने? माफ करना मैडम, ये थोड़ा ज्यादा बोलती है, बस आपसे मिलवाने के लिए लाए थे, अब हम इसको लेकर जाते हैं। हाँ ले जाओ इसको। चलो नमस्ते। ये जी तुम मैडम को देखे, कितनी गोरी चिट्टी और तंदुरुस्त है, उनको देख के ही लगता है कि कोई बड़ी सेठानी होगी। नहीं अरे तो मैडम तो बड़ी सेठानी है ही, तो लगेंगी भी ना, पर तुम अपने जुबान को थोड़ा लगाम लगाना सीख लो, का हर जगह चपर चपर करती रहती हो। तुम्हारा ये बड़बोलापन की वजह से हम फंस जाएंगे किस दिन, देखना। तो हम का गलत बोले? अरे तो गलत बोले का, बोलने की जरूरत ही का है, हर जगह बोलना जरूरी है का। लगा था इस बार तो सब ठीक हो ही जाएगा, लेकिन फिर एंट्री हुई एक और बम की। बम नहीं, एटम बम, या फिर कहिए कि न्यूक्लियर बम। थोड़ा साइड हो जाओ। बड़े बड़े साहब लोग आते हैं मैडम से मिलने, इसलिए जब मैडम बोलने को कहें तभी बोला करो। ए जी आप तो कितना टोका टोकी करते हैं। अरे हाँ। तुम घर चलो यार, तुम्हारा नाम बिंदु नहीं बकर बकर बिंदु होना चाहिए था। अरे शंकर भैया, जानते हो तुम लोग इन्हें, दरभंगा बिहार से हैं भैया, और आजकल मैडम के बहुत खास आदमी हुए पड़े हैं, ऊपर से पढ़े लिखे भी हैं। अरे पढ़े लिखे तो बहुत है, पूरे गांव में सबसे होशियार पढ़े लिखे यही है। जब भी पढ़ाई लिखाई का कोनो काम होता है ना, तो गांव वाले इन्हें बुलाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार है, समझे। अच्छा भाभी जी, वैसे आप भी बहुत स्मार्ट लग रही हैं, आप भी कम पढ़ी लिखी नहीं होंगी। अरे नहीं नहीं, हम तो 8वीं फेल हैं, बस शक्ल से ही लगते हैं पढ़े लिखे। हमको तो फिल्मों का शौक था, सोचे थे हीरोइन बनेंगे, पर कोई प्रोड्यूसर आया ही नहीं गाँव में। देखिए ये पढ़ाई लिखाई हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, किताब देखते हमको नींद आ जाती है कि नहीं? बहुत मजाक क्या है भाभी जी आप, शंकर हमारी तो खूब बनेगी भाभी जी के साथ, काम में मन नहीं लगता था, मन लग जाया करेगा। ये बात तो सही कह रहे हैं, लगता है आपको भी बात करने का बड़ा शौक है। कोनो बात नहीं, जब हमको टाइम मिलेगा ना आके हम आपसे बहुत बतियाएंगे, ठीक है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है का, किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो, तुम्हारा जान पहचान वाला है, रिश्तेदार है, तो फिर बड़ बोली कहीं की, चलो घर। अरे भाभी जी जा कहाँ रही है? अरे सुनिए तो,
गुड मॉर्निंग शंकर, कैसे हो? अरे भैया जी, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बिंदु बिंदु कहाँ है? बिंदु भाभी तो गांव चली गई, आप नहीं जानते क्या? आपसे नाराज होके गई हैं, शायद कभी वापस भी नहीं आएंगी। ये क्या बकवास कर रहे हैं भैया जी आप? हमारी बिंदु हमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। बिंदु बिंदु, हम भला आपसे क्यों झूठ बोलने लगे? अगर होती तो दिखती नहीं क्या यहाँ? नमस्कार, हमारी बिंदु को उठा कर ले गए वो लोग। अब आगे क्या होगा ये आप अगले एपिसोड में देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट और भर भर के शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाल बटन और घंटा दोनों दबा लीजिए, और जाते जाते बिनोमो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।